नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube चैनल की वीडियो में। आज हम बात करेंगे वेंचीन एंड इट्स डेरिवेटिव लेक्चर नंबर टू, एंड डिस्कस करने का आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचीन। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ वेंचीन किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये एक बेसिकली स्टोरी की तरह चलती है, जो कि बेसिकली सिक्स पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात आती है मॉलिकुलर फार्मूला की। फर्स्ट पे मॉलिकुलर फार्मूला, उसके बाद स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल नहीं था, स्ट्रेट चेन नॉट पॉसिबल, हमारे को क्या एविडेंस मिले कि ये इसका जो है वो साइक्लिक ही स्ट्रक्चर होगा, नंबर थ्री एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, नंबर फोर्थ पे बात आई किकुले स्ट्रक्चर के, जिन्होंने उनका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एंड नंबर सिक्स इज द मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वेंचीन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वेंचीन। चलिए बात करते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला के बारे में। अगर हम बात करें मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो इसके अंदर क्या हुआ कि एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन से हमारे को ये पता चला कि बेंजीन का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो C6H6 होगा, और ये जो इंडिकेट कर रहा था कि C6H6 जो है वो बहुत ही अनसेचुरेटेड स्ट्रक्चर है। अगर हम एन हेक्सेन के मुकाबले इसका कंपैरिजन करें, तो इसमें हम लिखेंगे एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट शोज डैट मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। दिस इंडिकेट that benzene is highly unsaturated structure. Structure as compared to n-hexane. अब हमारे को ये तो पता लग चुका था कि मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो बेंजीन का C6H6 है, पर अभी भी स्टिल ये क्वेश्चन था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, क्या वो एल्कीन है, क्या वो एल्काइन है, या फिर किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो सेकंड हमारे पास जो आया वो था स्ट्रेट चेन नॉट पॉसिबल, यानी कि हमारे को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिनसे ये पता लगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्ट्रेट चेन नॉट पॉसिबल। अब क्या क्या एविडेंस ऐसे मिले, चलो उनको देखते हैं। होने को तो स्ट्रक्चर स्ट्रेट भी हो सकता था, लेकिन बेंजीन जो था वो एल्कीन और ना ही एल्काइंस की तरह बिहेव जो कर रहा था, यानी कि ऐसे ही कुछ रिएक्शंस थी जो बेंजीन एल्कीन और एल्काइंस की तरह शो नहीं कर रहा था। चलिए बात करते हैं रिएक्शंस की। बेंजीन जो था वो ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिड नॉट डीक्लोराइज कर रहा था, और ना ही एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कोई रिएक्शन कर रहा था, और एसिड्स की प्रेजेंस में ये वाटर भी ऐड नहीं कर रहा था। तो लिखते हैं इट डिड नॉट बिहेव लाइक एल्कीन एंड एल्काइंस बिकॉज बेंजीन को जब हमने रिएक्ट करवाया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन इसने शो नहीं की। दूसरा एंड तीसरा, उसको अगर हमने डाइल्यूट कोल्ड के MnO के साथ भी रिएक्ट करवाया
तब भी कोई रिएक्शन नहीं मिली, और जब उसमें वाटर ऐड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स तब भी हमारे को कोई रिएक्शन नहीं मिली, एच पॉजिटिव नो रिएक्शन। ये तीन रिएक्शंस हमारे को बता रही थी कि बेंजीन जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है, ना ही तो ये एल्कीन की तरह बिहेव कर रहा है और ना ही ये एल्काइंस की तरह बिहेव कर रहा है। नंबर थर्ड बारी आई एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, हमारे को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले कि जिनसे ये कंफर्म हो गया कि बेंजीन जो है वो सिर्फ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही है। तो पहला था सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दी गई ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो हमारे को जो ऑब्टेंड हुआ वो था ब्रोमो बेंजीन, यानी कि C6H6 इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड कैटलिस्ट FeBr3 हमारे को ऑब्टेंड हुआ C6H5Br प्लस HBr, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोनो ब्रोमो बेंजीन ऑब्टेंड हुई है, मोनो ब्रोमो बेंजीन। तो ये फैक्ट क्या बता रहा था कि बेंजीन जो है वो सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो सकती है, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे रहा है तो इसका मतलब है ऑल 6 हाइड्रोजन एटम जो बेंजीन के हैं वो आइडेंटिकल हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बेंजीन जो है वो 6 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन शो डैट ऑल 6 हाइड्रोजन इन बेंजीन आर आइडेंटिकल एंड दिस कुड बी ओनली पॉसिबल ओनली पॉसिबल इफ बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड टू ईच कार्बन वन हाइड्रोजन इज अटैच्ड। दूसरा जो हमारे पास एविडेंस मिला वो था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब बेंजीन के अंदर 3 मोल हाइड्रोजन ऐड की गई इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे को साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेंड हुआ। तो इसमें लिखेंगे बेंजीन एडेड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल निकल कैटलिस्ट टू गिव क्या साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं C6H6 यहाँ लिख सकते हैं हम C6H6 इन द प्रेजेंस ऑफ 3H2 निकल कैटलिस्ट साइक्लोहेक्सेन। इसमें हम लिख सकते हैं फर्दर कि रिएक्शन क्या बता रही है, कंफर्म डैट जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेंजीन का उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं,
वो भी अल्टरनेट में। लिखेंगे कंफर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर एंड शोज डैट बेंजीन हैज थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नंबर फोर, अब बारी आती है कैलकुलेट स्ट्रक्चर की। केकुले ने 1865 में बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा कि बेंजीन जो है वो एक साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसके छह कार्बन एटम जो हैं वो अल्टरनेटली अरेंज हैं डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के साथ, जिसके साथ ईच कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग बेंजीन जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपली 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जैसा स्ट्रक्चर था। इसमें लिखेंगे 1865 कैलकुलस सजेस्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फर्दर उन्होंने क्या कहा कि बेंजीन कंसिस्ट ऑफ अ साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड ईच कार्बन इज अटैच टू वन हाइड्रोजन एटम। सो वन चीन जो था इनके अकॉर्डिंग कैसा था, इज सिंपली अ 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके था सी एच सी 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 कार्बन, ठीक, इन सब के साथ एक हाइड्रोजन अटैच था जो कि क्या है डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड के साथ, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बात होगी लिमिटेशन ऑफ कैलकुलर स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर और मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।